हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 7 समय पालन उसका मैं आपको शब्द ज्ञान जो दिया हुआ है बुक में मैं उसको यहाँ पर लिखी हूँ। आप भी अपने नोट कॉपी में ऐसे लिखिएगा, चैप्टर का नाम डालिएगा, चैप्टर का नाम लिखिएगा, उसके बाद शब्द ज्ञान लिख के लिखिएगा। तो आपका शब्द ज्ञान बुक में क्या दिया है? ठीक मतलब क्या होता है? सही। सही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट। आप भी हिंदी भी जानिए, इंग्लिश भी जानिए, जो चीज आप सीखते हैं उसको आप बोलना भी जानिए, उसका इंग्लिश भी जानिए, उसको लिखना भी जानिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर क्या है? मौज। मौज मतलब आनंद, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंजॉय। फिर समय। समय मतलब वक्त, उसको इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? टाइम। फिर नित, नित मतलब रोजाना, एवरीडे, प्रत्येक दिन, है कि नहीं? तो आप इसको याद भी कर लीजिएगा, इसका स्पेलिंग अच्छे से अपने ध्यान में रखिएगा, ताकि आप जब भी इसको लिखेंगे तो अच्छे से आप इसको लिख पाएंगे। और इसका इंग्लिश भी जानिएगा, इसका हिंदी भी जानिएगा। उसके बाद आपके बुक में जो अभ्यास दिया है खंड का, आपका मौखिक है, मौखिक मतलब ओरल, आपका क्या दिया है? एक नंबर में, वन नंबर में दिया है, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। आप बुक अच्छे से पढ़े होंगे, इसका जो प्रश्न है सुनते ही आपको उत्तर भी आ जाएगा। क नंबर में दिया है नित उठने का संबंध है, नित उठने का संबंध मतलब प्रत्येक दिन कब उठना चाहिए। तो आपका ऑप्शन में क्या दिया है? एक नंबर में दिया है शाम से, दूसरे में दिया है सुबह से। तो नींद उठने का संबंध किससे है? सुबह से। तो सुबह जो ऑप्शन है इसका, यहाँ पर जगह है, इस जगह में आपको राइट लगाना है। फिर ख नंबर में दिया है ठीक समय पर कार्य करने से कहलाएंगे। पहला ऑप्शन है आपका बड़े, दूसरा ऑप्शन है छोटे। तो ठीक समय पर कार्य करने से क्या कहलाएंगे? बड़े कहलाएंगे। आपको बड़े वाले ऑप्शन में राइट का निशान लगाना है। ग नंबर में दिया है हमें सभी कार्य करने चाहिए। एक नंबर ऑप्शन में दिया है बिना समय के, दूसरे में दिया है समय से। तो हमें सभी कार्य करने चाहिए समय से। आप इसको अच्छे से बुक पढ़े होंगे तो समय से वाले के ऑप्शन में आपको राइट का निशान लगाना है। फिर आपको ये क्या दिया है दूसरे नंबर में, टू नंबर में दिया है सही उत्तर दीजिए। हमें किस समय सोकर उठ जाना चाहिए? तो उत्तर क्या होगा? हमें ठीक समय सोकर उठ जाना चाहिए, ठीक समय पर सोकर उठ जाना चाहिए। ख नंबर में दिया है हमें ठीक समय पर क्या खाना चाहिए? तो क्या खाना चाहिए? खाना खाना चाहिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? हमें ठीक समय पर खाना खाना चाहिए। फिर आपका तीन नंबर में दिया है सही उच्चारण कीजिए। आपको इसको सही उच्चारण कर पढ़ना है। मौज, गाना, उड़ाओ, कहलाओ, आप इसको ऐसी पढ़िएगा। फिर आपका खंड ख, इसमें रिटिन है लिखित। चार नंबर, फोर नंबर में क्या दिया है? कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आपको यहाँ पर बुक में जो कविता है आप उसको याद भी कर लीजिएगा। इसमें आपको एक लाइन दिया है, उसका छोड़ा हुआ जगह में आपको लिखना है। तो ठीक समय पर नित उठ जाओ, जो खाली जगह है उसमें क्या लिखेंगे? ठीक समय पर चलो नहाओ। फिर क्या दिया है? ठीक समय पर खाना खाओ। फिर खाली जगह में आपको क्या लिखना है? ठीक समय पर पढ़ने जाओ। आप इसको ऐसी कंप्लीट कीजिएगा। फिर आपका क्या दिया है फाइव नंबर में? दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों को पढ़कर समझकर याद कीजिए। विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड, उल्टा, जो दिया है उसका उल्टा। तो आपको यहाँ पे ये जो चित्र दिखाया हुआ है वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोटा, मोटा का उल्टा क्या होगा? पतला। आपको पहले यहाँ पे एक मोटे इंसान का चित्र दिया है, एक पतले इंसान का, तो मोटा का उल्टा क्या होगा? पतला। फिर आपका यहाँ पे दिया है गर्म, देखिए चाय में से चाय का चित्र दिया हुआ है, ये गर्म होता है, तो गर्म का उल्टा क्या होगा? ठंडा। आपको यहाँ पर आइसक्रीम का चित्र दिखाया गया है। फिर क्या दिया है अमीर, अमीर इंसान का चित्र यहाँ दिया हुआ है, और अमीर का अपोजिट उल्टा क्या होगा? गरीब। आप अमीर का उल्टा गरीब होगा, इसको आप याद भी कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे दिया है लड़का, लड़का लिखा हुआ है, लड़का का उल्टा क्या होगा? लड़की। आप इसका स्पेलिंग भी हमेशा ध्यान रखिएगा, किसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है। फिर आपका यहाँ दिया है बूढ़ा, बूढ़ा का उल्टा क्या होगा? जवान। फिर आपका दिया है बड़ा, ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा सामान का चित्र है, यहाँ पर बड़ा बड़ा बक्सा है, और यहाँ पर बड़ा का उल्टा क्या होगा? छोटा। आप इसको चित्र देख के भी समझ सकते हैं, लिखे हुए वाले को भी पढ़ के आप उसका अपोजिट अपने से भी कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा और इसको स्पेलिंग समेत याद कीजिएगा। अमीर में जैसे बड़ी की मात्रा लगा है, आप कभी भी लिखेंगे तो आपका मात्रा सही होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
फिर आपका क्रियात्मक कार्य है, ये आपको अपने से करना है। क्या लिखा है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपनी पसंद की सब्जियों के नाम लिखिए। आपको अपने नोट कॉपी में क्या करना है, 5 सब्जी का नाम लिखना है, जो सब्जी आपको पसंद है, जो सब्जी आप जानते हैं उसका स्पेलिंग भी आपको आना चाहिए, और अपने नोट कॉपी में 5 सब्जी का भी नाम लिखिएगा। इस तरह इस ये लेसन चैप्टर 7 आपका कंप्लीट हुआ। आप 1-2 दिन का समय लीजिए, इसको कंप्लीट करके मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू।